हेलो गाइस, वेलकम टू ममताज ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको क्रिसेंट वाटर पार्क का टूर देने वाली हूँ। समर है और समर में हम वाटर पार्क जाना कैसे भूल सकते हैं। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ क्रिसेंट पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं एंट्री टिकट से। एंट्री टिकट यहाँ पर पर्सन है 650, और अगर आपको इसमें फूड एड ऑन करवाना है तो 150 आपको और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मतलब 800 रुपये। सो गाइज, यहाँ पे हम 650 वाले टिकट्स ले लेते हैं। यहाँ पे उसकी जगह वो हमको स्लिप देते हैं और ब्लैक कलर का बैंड देते हैं। दोस्तों, दोनों ही चीज़ आपको संभाल के रखना ज़रूरी है। सो गाइज, आप यहाँ से जैसे ही एंटर होंगे, यहाँ पे आपको कवर वगैरह के स्टॉल मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि वाटर पाउच आप बाहर से ही लाएं, क्योंकि अंदर 120 का बहुत महंगा है। अगर आप भूल जाते हैं तो अंदर से ले भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों, वहां से आप लेफ्ट में जैसे ही टर्न करेंगे, वहां पे आपको चेंजिंग रूम दिखेगा। हाँ, आपको यहाँ से एंटर करते ही चेंजिंग रूम वाले साइड पे जाना है। आप जैसे ही उस साइड पे जाएंगे तो वहां पे आपको कई सारी लॉकर की फैसिलिटी देखने को मिलेगी। सो गाइज, यहाँ पे पहुँचते से ही आप कॉस्ट्यूम भी ले सकते हैं और लॉकर भी ले सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे लॉकर का जो चार्ज है वो 300 रुपीज और 400 रुपीज है। वो आपको डिपॉजिट करा लेते हैं सिक्योरिटी के लिए। सिर्फ 100 रुपीज चार्ज लगता है, एट दी एंड आपको वो रिटर्न कर दिया जाता है। आपको स्लिप और बैंड को संभाल के रखना पड़ता है, तभी आपको जो रिफंडेबल अमाउंट है वो आपको मिलता है। सो गाइज, यहाँ पे जो लॉकर्स हैं इस तरीके से हैं, ये सेंसर वाले लॉकर्स हैं। आपको बैंड को भी बहुत अच्छे से प्रॉपरली रखना है और प्लस स्लिप को भी, तभी आपको आपका रिफंडेबल अमाउंट मिलेगा। अदरवाइज वो सिक्योरिटी के पर्पस पे जमा करवा लेते हैं, वो रिफंडेबल नहीं होता है। चेंजिंग के बाद फिर टाइम आता है वाटर पार्क के अंदर जाने का। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको ये चीज भी बता दूँ, आप अपने क्लॉथ भी लेके जा सकते हैं और वहाँ पे भी आपको कॉस्ट्यूम्स अवेलेबल होती हैं। उनके क्या प्राइजेस हैं मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड ऑन कर दूंगी, तो सो गाइस आप वहाँ जाके जरूर चेक करिएगा। सो गाइस, अब जैसे ही यहाँ पे पूल में आते हैं, तो ये सबसे फर्स्ट पूल होता है। ये बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट पूल है। यहाँ पे आप छोटी छोटी स्लाइड्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी राइड्स में डर लगता है तो यहाँ से आप थोड़ी बहुत राइड्स भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप परफेक्ट इंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली ये पूल बच्चों के लिए है। सो गाइस, आइए हम चलते हैं डांसिंग जोन। सो गाइस, यहाँ पे रेन डांसिंग जोन है, तो यहाँ पे मस्त आइए पूल में एंजॉय करिए और यहाँ पे रेन डांस करिए और मस्त समर को एंजॉय करिए। सो गाइस, यहाँ पे होता है लंच एंड डिनर, जो मैंने आपको जूम करके दिखाया। यहाँ से हमने लंच नहीं करा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महंगा था। अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे एक पुराना वेव पूल था, उसको बंद कर दिया है और अब नया वेव पूल ओपन कर दिया गया है। वो काफी बड़ा है, अगर आपको वो देखना है तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद अस। सो गाइस, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थर्ड एरिया की। ये है स्लाइड लोकेशन, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं कौन से फ्लोर पे कौन सी स्लाइड है। सो गाइस, यहाँ पे ये जो स्लाइड है ये 12 बजे से 5 बजे तक ही ओपन होती है। अगर आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी जाएंगे तो ये आपको ऑफ ही मिलेगी, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सुबह जाइए, मस्त थोड़ा वाटर से फ्रेंडली होइए, इंजॉय करिए और उसके बाद फिर आप राइड्स का इंजॉय करिए, क्योंकि आप वाटर में काफी ज्यादा थक जाते हैं। सो गाइस, जो मैं आपको ये स्लाइड दिखा रही हूँ, ये क्रिसेंट की सबसे लंबी स्लाइड है। सो कमेंट डाउन करके बताइए कि कौन किसको बिल्कुल भी स्लाइड से डर नहीं लगता। मुझे तो बहुत डर लगता है। सो गाइस, उसके जस्ट बगल में एक और पूल है, जस्ट यहाँ पे आप बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। फोटो वीडियो उसके लिए परफेक्ट लोकेशन होने वाली है, बाकी यहाँ पे इतना कोई खास इंजॉय नहीं है। इसके बाद फिर हम कुछ राइड्स करते हैं जिसमें बाप रे बहुत ही ज्यादा डर लगता है हमें। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था वेव पूल, जी हाँ दोस्तों, ये एकदम नया वेव पूल बना हुआ है क्रिसेंट में और इसको काफी अच्छा बड़ा बनाया गया है। तो गाइज, यहाँ पे जो वेव पूल है फैमिली एंड गर्ल्स के लिए अलग है एंड बॉयज के लिए अलग है। यहाँ पे आपको बैठने के लिए भी अच्छी लोकेशन है और यहाँ पे आपको फूड वगैरह भी आप खा सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे भी आप काफी इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये क्रिसेंट वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और कौन कौन जाने वाला है क्रिसेंट उसके लिए भी कमेंट करिए और शेयर भी करिएगा। सो गाइज, बाय बाय।